क्या आप अभी अपनी जो जॉब है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं? मान के चलो आप एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर्स, यानी कि अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप उसको बदलना चाहते हैं, या तो अभी जो काम है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है। ये बुक बेस्ड वर्कशॉप है, यू कैन हील योर लाइफ की बुक में से हमने ये वीडियोस बनाए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 11 वर्क के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। वर्क प्लेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्चुअली जब पढ़ाई करते हैं तो एक ही सपना होता है कि हम कुछ काबिल हो जाएंगे और उसके बाद हम हमारी स्किल का इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ दुनिया में करके दिखाएंगे। हमारे दिमाग में जब हम पढ़ाई करते हैं कुछ ड्रीम जॉब और ड्रीम काम होता है और उसके पीछे हम लगे रहते हैं, और जब तक ना मिले हम उसको चेस करते रहते हैं, और जब मिल जाता है हमें दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और वो ये है कि मुझे ये पोजीशन पसंद नहीं है, ये कंपनी, ये बॉस, और पता नहीं और कितने सारे प्रॉब्लम्स। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और मान के चलो आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भी आपको कुछ प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, आपका हक है, आप बढ़ सकते हैं, तो किस तरीके से आप इसमें से स्विच हो सके, जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें से स्विच होके अपग्रेड हो सके, वो कैसे कर सके, वो सारा कुछ ये वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल शॉर्ट वे बट वेरी इफेक्टिव वे से बताया है। आप ध्यान से ये वीडियो सुनिए, देखिए, एंड ये पूरी प्रोसेस, स्पेशली जो अफर्मेशंस की ट्रीटमेंट एंड अफर्मेशंस बताए हैं, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगा। जब हमारी एग्जिस्टिंग वर्क पोजीशन में हमारी ये नेगेटिव, जिसको हम लिमिटिंग थिंकिंग कहते हैं, तो सबसे पहले वो लिमिटिंग थिंकिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को पोजीशन चेंज करके अपग्रेड करने के लिए। और वो कुछ इस तरीके से लिमिटिंग थिंकिंग हो सकती है जो आपको सबसे पहले चेक करनी है, जैसे कि आई हेट माई बॉस, आई डोंट अर्न इनफ मनी, दे डोंट अप्रिशिएट मी एट वर्क प्लेस, और दे डोंट अप्रिशिएट माई वर्क एज वेल, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट टू डू, और ऐसे बहुत सारे आपके थिंकिंग हो सकते हैं जो नेगेटिव है, जो आपको लिमिट करते हैं, एंड दैट्स रीजन आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर, आपके वर्क प्लेस पर आप खुश नहीं है। सो खुश क्यों नहीं है, उसके डिफरेंट रीजन, स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजंस आपके दिमाग में होंगे, जो सबसे पहले आज आपको ये वीडियो देखने के साथ और वीडियो पॉज करते हुए या तो आफ्टर द वीडियो सारे लिमिटिंग थिंकिंग लिखने हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आज आप ये काम करेंगे तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आप यहाँ से स्विच हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिवली एंड बहुत जादुई तरीके से। सो इसीलिए आपको इसके ऊपर काम करना है। जितनी भी हमारी ये नेगेटिव थिंकिंग है जो हमने अभी नोट डाउन की है, जॉट डाउन की है, तो उसको हैंडल करने का एक सिंपल सा तरीका है, जस्ट बिगिन बाय ब्लेसिंग अवर करंट पोजीशंस विथ लव। जो भी हमारी करंट सिचुएशन है, आप गलत नहीं है, विथ द स्ट्रांग रीजंस आप खुश नहीं है, आपके पास वैलिड स्ट्रांग रीजंस है, आपने उसको लिखे, बट उसको हैंडल करना है नेगेटिव थिंकिंग को, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट पोजिशन को विथ लव ब्लेसिंग्स देना शुरू करे, यानी कि एक्सेप्ट करे आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको, कहे कि जो भी है आप उसके शुक्रगुजार है, जस्ट थैंकफुल रहे, क्योंकि जो जॉब के लिए आपकी ड्रीम जॉब थी और ये जॉब को चेज करने के लिए आपने शायद दिन रात लगा दिए थे, और अब आपको वो जॉब मिली है, वो काम मिला है, और अब आप वही काम से कुछ न कुछ खामियां, शायद आपको कमी लग रही है, खामियां निकाल रहा है आपका मन, दैट्स ऑल ओके, इट्स मे बी वैलिड एज वेल, बट आपको अपग्रेड होना है पॉजिटिवली, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को ब्लेसिंग देना बहुत जरूरी है।
बिगिन टू ब्लेस एवरीथिंग विथ लव. आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो भी एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस पे जो जो चीज़ें हैं, वो सभी को ब्लेसिंग्स दीजिए. जैसे कि आपके बॉस है, आपकी जो भी वर्क प्लेस का बिल्डिंग है, उसकी स्टेयर है, यू नो स्टेयर्स है, रूम है, कैबिन है आपके वर्क प्लेस पे, जो लोगों के लिए आप काम करते हैं, वो लोग जिस लोगों के साथ आप काम करते हैं, सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए. ब्लेसिंग्स मीन्स जस्ट सिंपली ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जस्ट कहे थैंक यू. ब्लेसिंग्स मीन्स गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशन रादर देन द रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन यानी ओ आई डोंट लाइक दिस बिल्डिंग, आई डोंट लाइक दिस बॉस, इसकी जगह पे आई एम थैंकफुल कि मेरे पास जॉब तो है, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास एक अच्छे एम्प्लॉयर तो है जो मुझे समय पर पैसा देते हैं, चाहे समय पर नहीं देते हैं लेकिन देते तो है. तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको देखे और पॉजिटिव डोमेन में रहे, दैट इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव वाइब्रेशन इज नथिंग बट द ब्लेसिंग्स, राइट. तो थैंक यू कह के आप पॉजिटिविटी से सोचेंगे, पॉजिटिव थिंग्स देखेंगे आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, तो वो ब्लेसिंग्स का ही काम करेंगे. अब आपके जितने भी लोग आपके आसपास है जो सच में आपको बॉदर करते हैं, आप उससे इरिटेट है, आप ना खुश है क्योंकि आपको लगता है आप अप्रिशिएटेड नहीं है आपके वर्क प्लेस पे, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आपका पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट्स ओके. जस्ट बिगिन टू अफर्म फॉर योर सेल्फ इन दिस ऑल सिचुएशन. हमेशा कहे आई ऑलवेज वर्क फॉर द मोस्ट वंडरफुल बॉस. अपने बॉस के लिए ऐसा कहे कि मैं हमेशा वंडरफुल बॉस के साथ काम करता हूँ. माई बॉस ऑलवेज ट्रीट्स मी विथ रिस्पेक्ट. मेरे बॉस हमेशा मुझसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट से पेश आता है. माई बॉस इज जनरस एंड ईजी टू वर्क फॉर. मेरे बॉस बहुत ही दयालु है, जनरस है और उनके साथ काम करना आसान है. आप जब ऐसा अफर्म करना शुरू करेंगे, इस तरीके से मानना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपको आपके फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. आपको क्वेश्चन होगा, दीपाली ये कैसे हो सकता है जबकि सच में मेरा बॉस बहुत डोमिनेंट है, मेरा वर्क एनवायरमेंट सच में सही नहीं है, तो मैं कैसे ब्लेसिंग्स दूँ, कैसे ग्रैटिट्यूड शो करूँ, कैसे ऐसा बोलना शुरू कर दूँ कि माय बॉस इज़ रियली जनरस एंड ईजी टू वर्क फॉर प्रोवाइडेड ही इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट. बट बिलीव मी, हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव कोई ना कोई ऐसी बातें होती है जो शायद हमें एज एम्प्लॉई नहीं दिखाई दे रहा है, या आप अपने कंपनी में बॉस है एज एम्प्लॉयर आपको अपने एम्प्लॉयज में नहीं दिख रहा है, बट आप एज अ एम्प्लॉई या एज अ एम्प्लॉयर्स बन के सामने वाले को ना देखे, एज अ ह्यूमन देखे, एज अ थर्ड पर्सन देखे, बर्ड व्यू से वो पर्सन को देखे, बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती है. बंद घड़ी भी दो बार सही समय दिखाती है. तो ये तो पर्सन है जिसने सच में आपको जॉब दी है, या तो वो पर्सन है जो सच में आपके साथ आपका एम्प्लॉय बन के आपके साथ खड़ा रहता है, काम करता है, जिसके कारण आप बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं. तो उसमें से पॉजिटिव जो बातें हैं उसको देखे, ढूंढे. तो अपना माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, जो ये अफर्मेशन करते वक्त आपको रेजिस्ट करवाएगा, वो कन्विंस होगा और फिर आप अफर्म करें तो देखिए आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएगा. बट सबसे पहले अपने लॉजिकल माइंड को आप कन्विंस करें, इसको फीड करें पॉजिटिविटी से, एंड फिर अफर्मेशंस ये प्रैक्टिस करें. अफर्मेशंस फॉर वर्क प्लेस, यहाँ पर बहुत ही वंडरफुल ये अफर्मेशंस, बंच ऑफ सेंटेंसेस है, बहुत सारे अफर्मेशंस को कंबाइन एक पैराग्राफ में. आप इसको डेली प्रैक्टिस में ले सकते हैं, इसको रोज लिखे, रोज पढ़े, इसको रिकॉर्ड करे अपने वॉइस में, मोबाइल में, और उसको जाते वक्त, आपके ऑफिस में जाते वक्त, रास्ते में उसको बार बार सुने, जब भी आपके पास समय है उसको सुने. एंड आपको जो पोजीशन चेंज करनी है, अपग्रेड होना है, आप डेफिनेटली जादुई तरीके से अपग्रेड हो पाएंगे. एंड वो वंडरफुल चीज़ क्या होगी, अपग्रेड तो रहेंगे बट खुशी से, जो पीछे छोड़ा है आपने वहाँ पर आप नाराज नहीं होंगे. सो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जिसमें आप ये अफर्मेशन फॉर वर्क इस तरीके से है, जिसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू अ वंडरफुल न्यू पोजिशन.
वन दैट यूजेज ऑल माई टैलेंट्स एंड एबिलिटीज एंड अलाउज मी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी इन वेज दैट आर फुलफिलिंग टू मी. आई वर्क विथ एंड फॉर पीपल हुम आई लव एंड हु लव एंड रिस्पेक्ट मी इन अ वंडरफुल लोकेशन एंड आई अर्निंग गुड मनी. मेरे पोटेंशियल का पूरी तरीके से यूज हो रहा है, मुझे नई पोजिशन मिल रही है एंड मेरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी हमें खुशी होती है और हम अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मुझे मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ और मुझे भी वो फुलफिलमेंट मिलता है जब मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता हूँ. मैं वैसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे चाहते हैं और मेरे काम को और मुझे भी रिस्पेक्ट करते हैं और जिसको मैं भी चाहता हूँ. एंड बहुत ही वंडरफुल लोकेशन पर मैं काम कर रहा हूँ और अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ. ऐसा बोलना, ऐसा मानना शुरू कर दीजिए. आप 9 सीक्रेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए आपके डिजायर रिजल्ट्स जो आपको लाइफ में चाहिए. मेरी किताब है 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू मैनिफेस्ट द डिजायर रिजल्ट्स इन योर लाइफ. अमेजोन पर अवेलेबल है. DIPAALI दीपाली आप लिखेंगे अमेजोन पर, ये बुक के नाम के साथ आपको मिल जाएगा. ऑफकोर्स दिस बुक इज इन इंग्लिश बट सिंपल इंग्लिश है. आप अभी मुझे समझ पा रहे हैं ये वीडियो के द्वारा, तो आप मेरी बुक को भी समझ पाएंगे. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वर्क के प्लेस के ऊपर, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको डिजायर जॉब चाहिए, या तो आपको कोई और बिजनेस में कोई और बिजनेस शुरू करना है, कुछ आपको मनचाहा काम शुरू करना है, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको प्रॉफिट चाहिए, एग्जिस्टिंग जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, ये आप यहाँ पर जो बताई गई बातें हैं उस बहुत सिंपल है. इज़न्ट इट जस्ट टाइप दैट सिंपल बट इफेक्टिव है. जस्ट टाइप दैट सिंपल बट इफेक्टिव. तो आप इसके ऊपर काम करें, रिजल्ट्स मिलते हैं तो शेयर जरूर से कीजिएगा. मेरी बिजनेस प्रोफाइल है गूगल के ऊपर dipali.life एंड फेसबुक के ऊपर भी प्रोफाइल है. रेट एंड रिव्यू कीजिएगा, आपको कोई रिजल्ट्स मिलते हैं या तो मेरा काम जो पसंद आता है. तो चलिए यहाँ पर हम वर्क की ट्रीटमेंट भी यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं. ये ट्रीटमेंट भी आपको बार बार दोहरानी है. आपको वर्क प्लेस के ऊपर, वर्क एरिया के अंदर डिजायर रिजल्ट्स लाने के लिए उसको सुन सकते हैं, लिख सकते हैं एंड बार बार इसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके आप अगेन उसको दोहरा सकते हैं. चलिए सुनते हैं वर्क ट्रीटमेंट. इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट. माई यूनिक क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज फ्लो थ्रू मी एंड आर एक्सप्रेस्ड इन डीपली सेटिस्फाइंग वेज. There are people out there who are always looking for my services. I am always in demand and can pick and choose what I want to do. I earn good money doing what satisfies me. My work is joy and pleasure. My work is joy and pleasure. All is well in my world. All is well in my world. Thank you.